अम्मा भाई के लिए जो लड़की ब्याह कर लाती वो शादी के दूसरे दिन ही तलाक ले लेती और अम्मा के हाथ में एक लीमू देकर कहती तू बहुत पछताएगी। इस बार अम्मा गांव से लड़की ब्याह कर लाई जो लावारिस थी। इस बार इस लड़की ने भाई को नहीं छोड़ा, सब कुछ ठीक जा रहा था जब एक रात मैंने देखा भाभी छुपकर मेरी माँ के कमरे में जा रही है और कोई चीज छुपाकर माँ के कंबल में रखती। मैं भाभी के जाते ही कमरे में गई और कंबल हटाया तो पैरों तले से जमीन निकल गई। मेरा नाम तानिया है और मैं एक मिडिल क्लास घराने में पैदा हुई थी। मेरे अब्बा सरकारी स्कूल में टीचर थे और उनका इंतकाल उस वक्त हुआ जब मैं तीसरी क्लास में थी। मैं इस वक्त बच्ची थी, मुझे ठीक से याद तो नहीं कि मेरे अब्बा का इंतकाल कैसे हुआ था, लेकिन लोगों से सुना था कि मेरे अब्बा बहुत अचानक से एक पुरसरार मौत मरे थे। मैंने कई बार अम्मा से जानने की कोशिश भी की थी कि मेरे अब्बा के साथ क्या हुआ था, लेकिन अम्मा हर बात मेरी बात को टाल दिया करती थी। वो अब्बा की मौत के जिक्र से ही खौफजदा हो जाया करती थी। जाने ऐसी कौन सी बात थी जो मेरी माँ को इस कदर डरा दिया करती थी। हम दो बहन भाई थे, मेरे भाई का नाम सलीम था और वो मुझसे 3 साल बड़ा था, लेकिन ऐसा था कि मुझसे 3 साल छोटा लगता था। वो जवान हो चुका था लेकिन समझदार कभी भी नहीं हो पाया था। उसकी आदतें बहुत अजीब सी और बच्चों वाली थी। अम्मा बताती थी कि अब्बा की मौत के बाद सलीम भाई सदमे में चले गए थे, शायद अब इसी वजह से वो थोड़ी बचकाना आदतों के मालिक थे। मेरे अब्बा एक प्राइमरी स्कूल में सरकारी टीचर थे, सुलह की बंदी ही तनख्वाह थी और अब्बा की मौत के बाद लगी बंदी सी पेंशन थी जिसमें गुजारा मुमकिन नहीं था। हमारे पास घर भी हमारा अपना नहीं था, किराए के घर पर रहते थे और फिर बिजली गैस के बिल राशन और स्कूल की फीसें वगैरह। तो अम्मा ने एक दो घरों में काम करना शुरू कर दिया था। अम्मा खाने पकाने घरों में जाया करती थी और मैं स्कूल से वापसी पर अम्मा के साथ ही होती थी और फिर दोनों साथ रात को घर आते थे। सलीम भाई इस वक्त बोर्डिंग में होते थे, उन्होंने अपनी तालीम घर से दूर हॉस्टल में रहकर ही पूरी की थी क्योंकि अम्मा को सलीम भाई को लेकर अजीब अजीब से डर और वहमे हर वक्त सताते रहते थे, इसीलिए उन्होंने सलीम भाई को हमेशा घर से दूर रखा था। सलीम भाई की हॉस्टल रह के पढ़ाई महंगी पड़ती थी लेकिन अम्मा ने ये भी बर्दाश्त की थी। अब्बा की सारी पेंशन हर माह सलीम भाई पर खर्च हो जाती थी और मैं और अम्मा अम्मा की कमाई पर गुजारा करते थे। अम्मा जिन घरों में खाना पकाती थी तो वहीं से उनका बचा हुआ खाना ले आया करती थी और हम वही खाना खाया करते थे। अब्बा की जिंदगी में मैं एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ती थी, लेकिन फिर जब अम्मा ने भाई को दूसरे शहर बोर्डिंग स्कूल में डाला तो मुझे प्राइवेट स्कूल से निकाल कर एक सरकारी स्कूल में दाखिल करवा दिया था जहाँ पढ़ाई ना होने के बराबर थी। अम्मा का सारा ध्यान और सारी तवज्जो सिर्फ और सिर्फ भाई पर थी, मैं तो किसी गिनती में नहीं आती थी। अम्मा ने सलीम भाई की मोहब्बत में मुझे पसे पुश डाल दिया था। भाई कभी भी हमसे मिलने नहीं आते थे बल्कि अम्मा उन्हें घर कभी भी नहीं आने देती थी। महीने भर बाद अम्मा खुद ही भाई से मिलने चली जाया करती थी। अम्मा चूंकि अपने मालकों के घर से खाना लाकर मुझे भी खिलाती थी और खुद भी खाती थी, सो खाने के पैसे बचाकर जमा किए होते थे और जाते हुए वो भाई के लिए ढेर सारी चीजें ले जाया करती थी और मुझे पड़ोसियों के घर छोड़ कर जाया करती थी। हमारे पड़ोसी बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। पड़ोसन आंटी मुझे एक दो दिनों के लिए अपने घर पर रख लिया करती थी तो सिर्फ इसलिए कि इन 2 दिनों में वो अपने महीने भर के रुके हुए काम मुझसे करवाती थी। महीना भर वो काम जमा करके रखती थी और फिर इन 2 दिनों में सब काम मुझसे करवाती थी और इसके बदले एहसान के तौर पर 2 दिन मुझे अपने बच्चों का बचा कुचा खाना देती थी और वो खाना खाने में मैं नखरे भी नहीं दिखाती थी क्योंकि अम्मा ने बचा कुचा खिलाने की आदत डाल दी थी मुझे। अम्मा को सारी दुनिया में किसी की फिक्र थी तो वो सिर्फ सलीम भाई थे। उठते बैठते सोते जागते अम्मा सिर्फ सलीम भाई को याद किया करती थी और हर वक्त उनके लिए दुआएं मांगा करती थी, उन्हें दुश्मनों से दूर रहने की दुआ देती थी और मैं सोच कर रह जाती थी कि भाई का कोई दुश्मन कैसे हो सकता है, वो तो बहुत छोटे हैं। मेरे लिए अम्मा और अम्मा की तमाम हरकत एक मिस्ट्री थी और अम्मा ने कभी वो मिस्ट्री मुझे हल करने ही नहीं दी थी। मैं कुछ भी पूछती अम्मा जवाब नहीं देती थी या वो मुझे इस काबिल नहीं समझती थी कि अपने दुख सुख मुझसे बांट सके। एक बात और जो मैंने नोट की थी वो ये थी कि अम्मा जब भी भाई से मिलकर आती थी वो बहुत परेशान रहा करती थी और हर वक्त बौखलाई बौखलाई सी रहती थी, जैसे मुझसे बल्कि सबसे कुछ ना कुछ छुपा रही हो। वक्त तेजी से गुजरता गया और मैंने बचपन का फाटक फलांग कर जवानी की दहलीज पर कदम रख दिया था। अरसा हो गया था मैंने अपने भाई को नहीं देखा था। अम्मा कहती थी जब सही वक्त आएगा तो सलीम भाई आ जाएंगे और मुझे नहीं पता था कि अम्मा के नजदीक वो सही वक्त कौन सा है, लेकिन ये था कि मुझे भाई की जरूरत थी। एक ऐसी लड़की जिसके सर पर बाप का साया और माँ की तवज्जो ना हो,
उससे अपने माँ जाए या माँ जाए की जरूरत रहती है और मैं तो एक लड़की थी, गिद माशरे में परवान चढ़ी एक बेसाइबान लड़की थी जिसे भाई जैसे सहारे की जरूरत थी, जो मुझे माशरे के हर सर्दो गरम और गंदी नजर से बचा कर रखे। लेकिन अम्मा ने मुझसे मेरा सहारा छीन रखा था। मैं भरी दुनिया में अकेले थी। मुझे स्कूल जाना होता तो मुझे अकेले ही जाना पड़ता था और रास्ते में कई लफंगों की सीटियां मेरे कानों में गूंजा करती थी और तब मेरा दिल चाहता था कि काश सलीम भाई मेरे पास होते, मेरे साथ होते तो इन लफंगों की जबानें तालू से चिपकी रहती और निगाहें झुकी रहती। कोई जो निगाह गलती से उठ जाती तो सलीम भाई वो आंख निकाल कर रख देते। भाई मुहाफिज होता है और सलीम भाई मेरे मुहाफिज थे। लेकिन जाने अम्मा ने मेरे मुहाफिज को कहां भेज रखा था, जहां से वो हमें मिलने ही आ नहीं सकते थे। मैं जवान हो चुकी थी और बिन बाप के भी थी, तो आसपास के मर्द मुझे यूं देखते थे जैसे मैं मुफ्त कमाल हूं। और तब तब मैं अम्मा से लड़ती थी कि खुदा का वास्ता है सलीम भाई को वापस बुला ले। दो औरतें तनतनहा कब तक इस गिद्ध दुनिया की आंखों में आंखें डाल कर जिएंगी। हमें किसी मर्द के साथ की जरूरत थी, लेकिन अम्मा हमारे घर के इकलौते मर्द को बुलाती नहीं थी और ये बात आसपास के मर्दों को और शह देती थी। बज़ाहिर नेक और परहेजकार नजर आने वाले मोहल्ले के मर्द हमारे घर पर हर वक्त नजरे गाड़े बैठे होते थे। ये तो खुदा की मेहरबानी थी कि मैं और मेरी माँ इन सब के शर से हमेशा महफूज रहे थे। जब अब्बा का इंतकाल हुआ था तो अम्मा बहुत जवान थी और तब मोहल्ले का हर मर्द मेरी अम्मा के साथ रहने का ख्वाहां था। और अम्मा ने बताया कि तब उन्होंने कहा था कि कोई मर्द शादी करना चाहे तो इनसे कर ले, लेकिन इस वक्त सब पीछे हट गए थे क्योंकि वो सब मर्द शादीशुदा थे। बस वो अम्मा के साथ दिल बहलाना चाहते थे, जो मेरी अम्मा को सख्त नापसंद था। सो इसके बाद भी मर्द लोग बास नहीं आए और अपनी खसलत से मजबूर पहले अम्मा को सर से पांव तक बगौर देखते थे और फिर मेरे जवान होते ही सबकी नजरों का रुख मेरी तरफ हो गया था। वो मर्द जो जवानी में मेरी माँ को गंदा करना चाहते थे, अब बुढ़ापे में वो मुझे गंदी और गलीज नजरों से देखने लगे थे। जिंदगी हम पर इंतहाई तंग कर दी थी दुनिया वालों ने, क्योंकि हमारे साथ किसी मर्द का साथ नहीं था। मेरे अब्बा के खानदान में भी कोई नहीं था ऐसा जो हमारी कफालत न सही हमारी हिफाजत ही कर लेता। सब अपनी अपनी जिंदगियों में मसरूफ थे। मैं जानती भी नहीं थी कि कोई अब्बा का खूनी रिश्ता भी इस दुनिया में मौजूद है, क्योंकि मैंने जब से इस दुनिया में आंख खोली थी अब्बा के किसी रिश्तेदार को किसी ईद या त्योहार पर हमारे घर नहीं देखा था। लेकिन फिर मुझे एक दिन पता चला कि अब्बा की एक अदद खाला भी हैं, जिनका नाम मिसेस शेरदिल है। मिसेस शेरदिल का नाम मैंने अखबारात वगैरह में देख रखा था और वो कई बार हमारे स्कूल को फंड देने भी आई थी। तब मैं नहीं जानती थी कि वो अब्बा की खाला है और ना ही कभी अम्मा ने बताया था। ये तो मुझे अब्बा की पुरानी डायरियां पढ़ने के बाद अब्बा की खाला और अब्बा की जिंदगी के एक एक पहलू का पता चला था। मेरे अब्बा के अम्मा अब्बा यानी कि मेरे दादा दादी मेरे अब्बा के बचपन में ही इंतकाल कर गए थे। मेरे दादा दादी नहायत गरीब थे और अपने पीछे अपनी औलाद के लिए सवाए कर्जे के कुछ भी नहीं छोड़ा था। मेरे अब्बा यतीम हुए तो सवाल उठा कि इनकी कफालत कौन करेगा, और तब दुनिया को दिखाने के लिए मेरे अब्बा को इनकी करोड़पति खाला अपने घर ले गई थी। इंसान जिस कदर दौलत के ज़खायर इकट्ठे कर लेता है उसी कदर लालची और कंजूस होता चला जाता है। मेरे अब्बू की खाला के साथ भी यही मामला था। दौलत ने उन्हें इस कदर अंधा कर दिया था कि उन्हें अपने खूनी रिश्ते भी दिखाई नहीं पड़ते थे। इसी दौलत के खुमार में उन्होंने अपनी सगी बहन को भी छोड़ रखा था, क्योंकि बे इंतहा दौलत का गुरूर उन्हें गरीब रिश्तेदारों से रिश्ता रखना गवारा नहीं करता था। लेकिन फिर मजबूरी में ही उन्हें मेरे अब्बा की परवरिश की जिम्मेदारी लेनी पड़ी। जिस वक्त अब्बा की खाला उन्हें अपने साथ अपने घर ले गई थी, तब मेरे अब्बा की उम्र सिर्फ 10 साल थी। अब्बा की खाला के बच्चे भी अब्बा के हम उम्र ही थे और इन जैसी न सही, लेकिन अब्बा इनके साथ ही परवरिश पाई थी। अब्बा की खाला का घर बहुत बड़ा था, इतना बड़ा कि 300-400 लोग वहाँ आसानी से रिहाइश इख्तियार कर सकते थे। लेकिन इस इतने बड़े घर में अब्बा के लिए कुछ भी नहीं था। साथ ले जाने के बाद अब्बा की खाला ने पहले पहल अब्बा को अपने बंगले में अपने बच्चों के साथ ही रखा और अपने बच्चों जैसा ही पहनने ओढ़ने और खाने को दिया। और फिर ये बात अब्बा की खाला की सोसाइटी में जंगल की आग की तरह फैली कि मिसेस शेरदिल इस कदर रहमदिल औरत हैं कि उन्होंने एक यतीम और मस्कीन बच्चे को अपने घर लाकर एक अच्छी जिंदगी दी है। हर तरफ मिसेस शेरदिल की वाह वाह होने लगी। कई फलाही अदारे उन्हें बतौर मेहमान खसूसी अपने प्रोग्रामों में बुलाने लगे थे। हर रोज बड़ी बड़ी तस्वीरें मिसेस शेरदिल की अखबारों में छपी हुई होती थी और साथ उनकी शान में कसीदे पड़े गए होते थे।
इनकी रहमदिली को बयान किया गया होता था और इनकी तारीफ में जमीन और आसमान के कलाबे मिलाए गए होते थे। इनकी फलाही सोच को खराज तहसीन पेश किया गया होता था। वो अपनी सोसाइटी में एक मशहूर शख्सियत बन चुकी थी। मिसेस शेरदिल ने मेरे अब्बा को अपने बच्चों के साथ ही उनके स्कूल में दाखिल करवा दिया था और इस अमल ने तो उनकी फलाही औरत होने पर मोहर लगा दी थी, क्योंकि स्कूल की महाना फीस लाखों में होती थी और वहाँ से पढ़ने वाले बच्चे बड़े होकर हकूमत में आला ओहदों पर फायज हो जाते थे। सो मिसेस शेरदिल की वाह वाही हुई कि उन्होंने एक गरीब और यतीमो मस्किन लड़के का मुस्तकबिल संवार दिया था। जो कि अमीर लोग होते हैं, जिनके पास बेशुमार पैसा आ जाता है, वो बहुत मतलबी हो जाते हैं। वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, अपने फायदे के बारे में सोचते हैं। किसी के दिल पर उनके अमल से क्या गुजरती है, इनका इससे कोई लेना देना नहीं होता। मिसेस शेरदिल भी यही किया करती थी। दुनिया के सामने वो मेरे अब्बा के साथ ऐसे पेश आती थी जैसे उन्हें अपने बच्चों से भी बढ़कर उनसे प्यार हो। और जब कैमरे हट जाते थे, लोग चले जाते थे, तो वो मेरे अब्बा को टॉर्चर करती थी। डायरी में एक जगह मेरे अब्बा ने मिसेस शेरदिल के बारे में लिखा था कि जब वो छोटे थे तो उन्होंने स्कूल से शख्सियत के मुख्तलिफ पहलुओं के बारे में पढ़ा और तब उन्हें लगा कि मिसेस शेरदिल एक साइको औरत थी या पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का शिकार थी। कभी उनके अंदर की अच्छी औरत बाहर निकल आती थी और बेहद लाड प्यार जताती थी, और कभी ऐसी वैशी औरत उनके वजूद में छा जाती थी कि देखकर किसी पागल औरत का सा गुमा होता था। मिसेस शेरदिल के अंदर की इन दोनों औरतों के जहूर पजीर होने का कुछ वक्त था। दिन की रोशनी में मिसेस शेरदिल के अंदर की रहमदिल और आला इखलाक वाली औरत सबके सामने होती थी और सारी दुनिया सिर्फ इसी मिसेस शेरदिल को जानती थी। लेकिन सिर्फ अब्बा थे जो दूसरी मिसेस शेरदिल को भी जानते थे, जो दिन की रोशनियां ढल जाने के बाद निकलती थी और वो बेवजह हर बात पर गुस्से से पागल होकर मेरे अब्बा को ताने तशने देती, उन्हें मेंटली टॉर्चर करती थी। थोड़े और बड़े होने पर पता चला कि ऐसे लोग पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का शिकार नहीं होते, बल्कि ऐसे लोगों को मुनाफिक कहा जाता था, जो अंदर से कुछ और होते हैं और बाहर से कुछ और होते हैं। मिसेस शेरदिल, जो अपनी रहमदिली की वजह से काफी मशहूर थी और लोग उन्हें नेको परहेजगार औरत समझते थे, दरअसल वो एक मुनाफिक औरत थी। वो जो चेहरे दुनिया को दिखाती थी वो झूठा और नकली चेहरा था। उनका असली चेहरा सिर्फ मेरे अब्बा ने देख रखा था और वो था मुनाफिक चेहरा। अब्बा ने एक जगह लिखा था कि वो 10 साल की उम्र में शेरदिल हाउस गए थे और 22 साल की उम्र में वहाँ से निकले थे, लेकिन उन्होंने कभी रात का खाना और सुबह का नाश्ता नहीं किया था, बल्कि उन्हें दिया नहीं गया था। यानी कि 12 साल मेरे अब्बा ने सिर्फ एक वक्त यानी कि दिन का खाना खाया था और वो भी दुनिया दिखावे के लिए। मिसेस शेरदिल ड्राइवर के हाथ अपने बच्चों के साथ उनके लिए भी लंच भेज दिया करती थी। मेरे अब्बा पर रात का खाना और सुबह का नाश्ता मिसेस शेरदिल ने सख्ती से बंद कर रखा था। एक दिन में लामहदूद खाना मिसेस शेरदिल के किचन में जाया होता था, लेकिन किसी इंसान के बच्चे को दे देने का रवाज नहीं था। मेरे अब्बा ने मैट्रिक अच्छे नंबरों से पास किया तो आगे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहा, लेकिन मिसेस शेरदिल ने सख्ती से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि वो पराई औलाद पर मजीद अपना पैसा जाया नहीं कर सकती और वैसे भी घर पर एक यतीम बच्चे की परवरिश करने वाली रहमदिल औरत का किस्सा पुराना हो गया था। अब इस बारे में कोई भी नहीं पूछता था कि यतीम बच्चे के लिए मिसेस शेरदिल क्या कर रही हैं। इस किस्से से लोगों की दिलचस्पी खत्म हुई तो मिसेस शेरदिल भी उकता गईं और फिर अब्बा पर दिखावे के लिए जो थोड़ी बहुत मेहरबानी होती थी अब्बा उससे भी रह गए थे। मिसेस शेरदिल ने अपने बच्चों को बड़े कॉलेजों में दाखिल करवा दिया और मेरे अब्बा को दाखिला लेने से मना कर दिया था। इतने सालों तक अब्बा की रिहाइश शेरदिल हाउस में ही थी, लेकिन फिर मिसेस शेरदिल ने सामान समेत अब्बा को उठाकर सर्वेंट क्वार्टर में फेंक दिया। अब्बा 18 साल के क्या हुए थे कि मिसेस शेरदिल ने तमाम जिम्मेदारियां उन पर डाल दी थी। मेरे अब्बा ने शेरदिल हाउस में ड्राइवरी से लेकर बावर्ची और चौकीदार तक की जिम्मेदारी संभाली थी, लेकिन उन्हें फिर भी रात का खाना और सुबह का नाश्ता नहीं दिया गया। और अब्बा इस कदर ईमानदार थे कि कभी एक नवाला भी चोरी करके खाने की कोशिश न की थी। मिसेस शेरदिल हर घड़ी मेरे अब्बा को ये एहसास दिलाती रहती थी कि उन्होंने मेरे अब्बा पर बहुत एहसानात किए थे और वो पूरे के पूरे उनके एहसानात में इस कदर डूबे हुए हैं कि कभी भी सर नहीं उठा सकते। 7 नस्लें भी मिसेस शेरदिल के एहसानात नहीं उतार सकती, लेकिन ऐसा तो नहीं था। मिसेस शेरदिल ने कोई एहसान नहीं किया था। उन्होंने जितना भी पैसा मेरे अब्बा पर लगाया था अपनी जेब से नहीं लगाया था, बल्कि लोगों की दी हुई चैरिटी से लगाया था। लेकिन मेरे अब्बा आला इखलाक के आदमी थे, खुद से बड़ों का अदब करते थे, सो चुपचाप इनकी हर बात मानते गए। और साथ साथ अब्बा ने प्राइवेट ही अपनी तालीम जारी रखी और एफए पास कर लिया। मैट्रिक की तरह वो एफए में बहुत अच्छे नंबर नहीं ले सके थे, लेकिन बी ग्रेड से पास हो ही गए थे। और इतनी जिम्मेदारियाँ अदा करने के साथ साथ ये ग्रेड लेना भी बहुत बड़ी बात थी। अब्बा ने एफए के बाद बीए भी प्राइवेट ही कर लिया था। और फिर जब प्राइमरी स्कूल के लिए टीचर्स की भर्तियां होने लगी
तो अब्बा ने अपनी किस्मत आजमाने के लिए अप्लाई कर दिया। अब्बा को इज्जत की नौकरी हासिल करने के बाद शेरदिल हाउस से हमेशा के लिए जाना चाहते थे और इस जिद्दत भरी जिंदगी से दूर अपनी एक पुरसकून जिंदगी गुजारना चाहते थे। और दूसरी तरफ मिसेस शेरदिल को इस चीज की भिनक भी पड़ जाती तो वो अब्बा की टांगे तड़वा कर उन्हें मजदूरी की हालत में ही सर्वेंट क्वार्टर में मरने के लिए छोड़ देती, लेकिन कभी भी जाने ना देती। उन्हें ये अपनी तौहीन लगती थी और वो कई बार अब्बा से कह चुकी थी कि शेरदिल हाउस से वो कभी नहीं जा सकते, लेकिन अब्बा को जाना था सो जाना था, इसलिए उन्होंने मिसेस शेरदिल की नजरों से बचकर जो भी किया था सो किया था। अब्बा ने छुप छुपा कर ही अप्लाई किया था और फिर टेस्ट वगैरह भी दे दिए थे। और फिर जिस दिन अब्बा का बतौर गवर्नमेंट प्राइमरी टीचर ऑर्डर आया था, अब्बा की खुशी की कोई इंतहा न थी। और सबसे ज्यादा खुशी की बात यह थी कि अब्बा को कोहिस्तान के स्कूल में ज्वाइनिंग करनी थी। अब्बा को इस चीज से कोई मसला नहीं था क्योंकि कोहिस्तान में वो मिसेस शेरदिल की नजरों और जराए से बहुत दूर थे। अब्बा ने मिसेस शेरदिल को शक हुए बगैर अपना जरूरी सामान समेटा और एक दिन सुबह की अजानों से भी पहले चुपके से शेरदिल हाउस से निकल गए थे। अब्बा वहां से सीधे कोहिस्तान चले गए थे। पीछे से मिसेस शेरदिल ने उन्हें ढूंढा या कैसे अपने गुस्से का इजहार किया अब्बा नहीं जानते थे। वो तो बस शेरदिल हाउस हमेशा के लिए छोड़ देने पर बे इंतहा खुश थे। कोई 2 साल तक अब्बा कोहिस्तान में टीचिंग करते रहे, फिर उनका ट्रांसफर हो गया और वो वापस अपने शहर आ गए जहाँ से वो भाग कर गए थे। लेकिन 2 साल का अरसा गुजर चुका था और इस अरसे में मिसेस शेरदिल शायद भूल भी चुकी थी कि ऐसा कोई कैदी उनकी कैद से भागा भी था। अब्बा ने वहीं फिर से अपनी जिंदगी शुरू की और किराए पर घर ले लिया और फिर मेरी अम्मा से शादी कर ली थी। अम्मा और अब्बा की शादी कब, कहां और कैसे हुई थी अब्बा ने इस बारे में डायरी में कुछ भी नहीं लिखा था और ना ही कभी अम्मा ने बताया था। अम्मा तो अपनी शादी और अब्बा की मौत का जिक्र करती थी और ना ही सुन सकती थी। कभी जो अब्बा की मौत का जिक्र होता तो अम्मा के चेहरे पर खौफ फैल जाता था। जाने कैसे मौत हुई थी अब्बा की कि अम्मा आज तक इस खौफ से बाहर नहीं निकल सकी थी। और जब अम्मा और अब्बा की शादी का जिक्र किया जाता तो अम्मा के चेहरे पर दुख की दास्तान पढ़ने को मिलती थी जो मेरा कलेजा काट कर रख देती थी। अम्मा का खौफ मुझे खौफ में मुब्तला करता था और अम्मा का दुख मुझे दुखी करता था। सो मैंने इन 2 चीजों का जिक्र करना ही छोड़ दिया था। हाँ, मैं माँ से जिद जरूर करती थी कि जल्द से जल्द वो सलीम भाई को वापस बुला लें ताकि सबको पता चले कि हम लावारिस नहीं हैं। एक मर्द का साथ हमें खुदा ने दिया था, लेकिन अम्मा मेरी सब बातों की तरह ये बात भी नहीं मानती थी, बल्कि वो तो मेरी बातों पर ध्यान नहीं देती थी और मुझे हर घड़ी भाई की कमी महसूस होती थी। मैंने सुना कि आसपास के लोग सलीम भाई के बारे में कुछ अजीब सी बातें कर रहे थे। मेरी तरह मोहल्ले वालों ने भी अरसा हुआ सलीम भाई को नहीं देखा था। मैं तो इंतजार में थी कि कभी ना कभी तो सलीम भाई जरूर आएंगे, लेकिन मोहल्ले वालों के मुताबिक सलीम भाई मर चुके थे। और कई एक बार कोई ना कोई आंटी मुझे कह चुकी थी कि तानिया अपनी माँ का इलाज करवाओ, तुम्हारे बाप की पुरसरार मौत के बाद तुम्हारा भाई भी मर चुका है, बस तुम्हारी माँ पागल हो गई है जो हर महीने जाने की सलीम के पास पहुँच जाती है। मैं अपने मियाँ को बोलकर हॉस्टल से पता करवाया था, वहाँ मास्टर रहीम का बेटा सलीम नहीं पढ़ता और ना रहता है। ये कैसी पहेली थी, सलीम भाई थे या नहीं, जिंदगी इसी कश्मकश में गुजर रही थी। और अम्मा हर महीने बाकायदगी से दूसरे शहर सलीम भाई को मिलने जाती थी। सवाल ये था कि अगर हॉस्टल में सलीम भाई थे ही नहीं तो अम्मा क्यों जाती थी और वापस आकर सलीम भाई के साथ गुजरे वक्त को बताती थी। कि अम्मा वाकई सदमे से पागल हो रही थी। अम्मा को सारी जिंदगी मैंने उलझा हुआ ही पाया था और अब जब मुझे पता चला था कि सलीम भाई मर चुके हैं तो मुझे अम्मा पागल मालूम हुई थी। सलीम भाई की मौत का दुख था, लेकिन अम्मा के पागलपन का दुख ज्यादा था। मैंने अब सलीम भाई का इंतजार करना भी छोड़ दिया था कि भला मरे हुए लोग कब आते हैं, लेकिन अम्मा कहती थी बकवास करते हैं ये लोग, मेरा सलीम मरा नहीं है, मेरा सलीम जिंदा है। अरे मरे मेरे सलीम के दुश्मन, खुदा मेरी जिंदगी भी उसे दे दे और लोगों की जुमाने काटते जो मेरे बेटे को मरा हुआ कहते हैं। मैं अब अम्मा को हौसला भी नहीं देती थी, जैसा था वैसे ही मैंने चलने दिया। और इसी दौरान मेरा मैट्रिक हो गया था। मैंने अम्मा से कहा कि वो मुझे कॉलेज में दाखिला दिलवा दें, लेकिन अम्मा ने हमेशा की तरह मुझे इनकार करते हुए कहा जितना पढ़ना था पढ़ लिया, अब आराम से घर बैठो, इतने पैसे नहीं मेरे पास जो तुम्हारे कॉलेज की फीसें दे सकूं, पहले ही तुम्हारी पढ़ाई पर मेरा इतना खर्चा हो चुका है। और मैं अम्मा की बात पर हैरान परेशान से उन्हें देखती रही कि मेरी पढ़ाई पर उन्होंने कौन से खर्चे किए थे। अब्बा की मौत के बाद उठाकर मुझे सरकारी स्कूल में दाखिल करवा दिया और वहाँ भी कभी भी अम्मा का 1 रुपया तक खर्च नहीं हुआ था। हुकूमत ने सरकारी स्कूल की लड़कियों के लिए वजीफा मुख्तस कर रखा था जो हर 6 माह बाद मिलता था और मैं इसी से अपने स्कूल की जरूरी चीजें लेती थी। खाना हमेशा अम्मा ने अपने मालकों का बचा हुआ मुझे खिलाया था और पहने भी मैंने हमेशा उतरन ही थी।
कोई मोहल्लेदार कोई दोस्त अपने पुराने हुए कपड़े मुझे दे देती थी और इसी से मेरी जिंदगी गुजरी थी। ईद की ईद अम्मा के मालकों की बेटियां अपने पुराने सूट अम्मा को मेरे लिए दे दिया करती थी और इनके पुराने सूट भी कई नए सूटों से बेहतर हुआ करते थे। मेरी ईद भी उतरन पहनकर गुजरती थी तो अम्मा कौन से खर्चों की बात कर रही थी जो बकौल उनके उन्होंने मुझ पर किए थे। अम्मा सारी की सारी रकम तो सलीम भाई को दे आती थी जबकि सलीम भाई तो मर चुके थे। जाने अम्मा अपने पागलपन में मेरे अब्बा की पेंशन किसको दे आती थी। अम्मा ने मुझे कॉलेज में दाखिला न लेने दिया, मैं घर पर ही होती थी जब हमारे मोहल्ले में नया पार्लर खुला था। मेरा पार्लर से कोई लेना देना नहीं था और ना ही कभी मैंने चेहरे पर कुछ करवाया था, बल्कि मैंने तो आज तक चेहरे पर कोई क्रीम भी नहीं लगाई थी और इसी का असर था कि मेरी जिल्द बहुत रफ थी और शक्ल बस वाजबी सी थी। पार्लर वाली आंटी का नाम कैसरा था और मैंने उनके बारे में सुना था कि वो काफी अच्छी खुश इखलाक और मिलनसार औरत है, इसीलिए मैं उनसे मिलने चली गई। और जब उन्होंने सुना कि मैं फारिग हूँ और घर पर ही होती हूँ तो उन्होंने मुझे रोजाना पार्लर आने को कहा और मुझे बगैर फीस के सिखाने का वादा किया। मैंने अम्मा से इस बारे में बात की तो अम्मा फौरन से मान गईं। मुझे पता था वो मान जाएंगी क्योंकि कौन सा उनकी जेब से पैसे जा रहे थे। मैं बकायदगी से पार्लर जाने लगी। मेरी फरागत के दिन खत्म हो गए थे और मैं तेजी से सीख कर माहिर होती जा रही थी। वक्त का काम है गुजरना, सो वक्त गुजरता चला गया और 2 साल बीत गए और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो सकता है। उम्मीदें तो कब की खत्म हो गई थी और ख्वाब मर चुके थे, लेकिन अचानक से इन मरे हुए ख्वाबों की ताबीर आ गई थी। 14 साल बाद सलीम भाई आ गए थे। लोग झूठे थे और माँ सच्ची निकली। सलीम भाई जिंदा थे और मैं उन्हें फौरन पहचान गई थी। उनके गाल पर बड़ा सा तिल था जो उनकी शनाख्त था। ये तिल उन्हें अब्बा से मिला था। अब्बा के गाल पर भी बड़ा सा तिल हुआ करता था और अब तो सलीम भाई अब्बा की कॉपी लगते थे। मैं उनको देखकर बहुत खुश हुई थी और दौड़कर उनके गले जा लगी थी, लेकिन उन्होंने जिस अजनबियत का मुजाहरा किया था मैं रो ही पड़ी थी। अम्मा बे इंतहा खुश थी। उनका बस नहीं चलता था कि वो सलीम भाई की राहों में फूल बिछा देती। सलीम भाई हमेशा के लिए हमारे पास वापस आ चुके थे और ये बहुत खुशी की बात थी। सलीम भाई का ग्रेजुएशन मुकम्मल हो चुका था और उनके आते ही अम्मा को उनकी शादी की फिक्र सताने लगी। अम्मा रोज उनके लिए रिश्ता ढूंढने निकल जाया करती थी। मुझे सलीम भाई थोड़े अजीब से लगे थे। कभी वो बहुत संजीदा होते थे और कभी वो एकदम बच्चों जैसी हरकतें करने लगते थे। चलो जैसे भी थे, मेरे तो भाई थे और लौट आए थे, मैं इसी पर खुश थी। अम्मा ने बहुत छान फटक के बाद एक लड़की को सलीम भाई के लिए पसंद कर ही लिया था और फिर लड़की वालों के कहने पर नहायत सादगी से सलीम भाई की शादी हो गई थी। मैं खुश थी कि घर में भाभी आ गई हैं, लेकिन शादी के अगले ही रोज कुछ ऐसा हुआ जिसने हमें हिला कर रख दिया था। शादी के अगले ही दिन नई नवेली दुल्हन ने अपना सामान बांधा और अम्मा के हाथ में एक लीमू देकर कहने लगी, मैं खुला के कागजात भिजवा दूंगी, या अपने बेटे से कहना शराफत से मुझे तलाक दे दे और तुम बुढ़िया एक दिन बहुत पछताओगी। वो कहकर जा चुकी थी और फिर उसने भाई से तलाक ले ली। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ है और दूसरी तरफ अम्मा चुपचाप थी जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैंने भी सब सोचों को झटका और अपने काम में लग गई थी। मैं अपने काम में माहिर हो चुकी थी और अब कैसरा आंटी मुझे माहवार तनख्वाह भी देती थी। भाई की पहली तलाक को कोई 2 माह गुजरे थे कि अम्मा ने फिर से भाई की शादी करवा दी थी। मैंने दुआ की थी कि इस बार सब ठीक हो और अम्मा भी चाहती थी कि बस किसी तरह सलीम भाई का घर बस जाए, लेकिन इस बार भी वही हुआ जो पहले हुआ था। दुल्हन ने शादी के अगले रोज ही अपना सामान बांधा और अम्मा को एक लीमू पकड़ा कर कहा, तुम बहुत पछताओगी, और हमेशा के लिए चली गई थी। इसके बाद भी अम्मा ने 3-4 बार भाई की शादी करवाई, लेकिन हर लड़की शादी के अगले रोज ही तलाक ले लेती और अम्मा को लीमू पकड़ाकर पछताने की धमकी देती और चली जाया करती थी। और फिर अम्मा ने किसी ऐसी लड़की की तलाश शुरू कर दी जो लावारिस हो और कहीं जा न सके, और यूं उन्हें गांव की एक लावारिस लड़की मिल गई जिससे उन्होंने भाई की शादी करवा दी। और इस बार सब कुछ ठीक रहा था और भाभी कहीं भी नहीं गई थी और भाई की शादी महीने भर से ज्यादा चल गई थी। नई भाभी ने भाई को नहीं छोड़ा था और अब मैं भी मुतमईन हो चुकी थी। सब कुछ ठीक जा रहा था जब एक रोज मैं रात को पानी पीने के लिए उठी तो देखा कि भाभी अम्मा के कमरे की तरफ जा रही हैं। आधी रात को भाभी का अम्मा के कमरे में जाना मुझे समझ न आया तो मैं इनके पीछे गई और देखा कि भाभी ने अम्मा के कम्बल में कोई चीज छुपाई थी और जल्दी से कमरे से चली गई। भाभी के जाने के बाद मैं अम्मा के कमरे में गई और कंबल हटाया तो देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई कि मेरे सामने स्याह रंग का एक गुड्डा पड़ा था जिसमें लातदाद सुइयां थी और दिल के मुकाम से खून बह रहा था। मैं ये देखकर बहुत ज्यादा डर गई। मुझे समझ न आई कि क्या करूं तो मैं फौरन से भागकर अपने कमरे में आ गई और अगले रोज अम्मा की चीखों ने मेरा दिल दहला कर रख दिया था।
मैं कमरे से बाहर गई तो सामने का मंजर देखकर मैंने बेख्तियार अपने दिल पर हाथ रख लिया था, क्योंकि चारपाई पर सलीम भाई मुर्दा हालत में पड़े थे और पास बैठी अम्मा रो रही थी, जबकि भाभी भी झूठे टसवे बहा रही थी। मेरे सामने रात वाला मंजर घूमा तो मैं समझ गई कि भाई की मौत के पीछे भाभी का हाथ है। रात गुड्डे के दिल के मुकाम से खून आ रहा था और भाई को हार्ट अटैक हुआ था। भाई को दफना दिया गया। अम्मा की हालत खराब थी और भाभी अपना कमरा बंद करके बैठी थी। मैंने कैस्ट्रा आंटी से मशवरा किया और पुलिस को बुलवा लिया, क्योंकि मैं जानती थी भाभी ने भाई पर काला जादू किया था और भाभी के कमरे से सबूत जरूर मिलेंगे। जब पुलिस आई और भाभी के कमरे की तलाशी ली तो काले जादू के तमाम लवाजमात भाभी के कमरे से मिले थे। पुलिस ने भाभी को गिरफ्तार कर लिया था और फिर रिमांड के बाद भाभी ने जो बताया वो सुनकर मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आया था। भाभी लाहौर के एक बंगाली खानदान से थी जो काले जादू में माहिर थे और मेरी अम्मा भाभी की सगी पुफी थी। जब मेरे अब्बा मिसेस शेरदिल के घर से भाग गए तो उन्हें ये अपनी तौहीन महसूस हुई और तब उन्होंने बंगाली खानदान की तरफ रुख किया, जहां उनका केस मेरी अम्मा को सौंपा गया था। मेरी अम्मा एक रात सड़क पर अब्बा को बेहोश मिली और फिर अम्मा ने बेचारगी का इतना रोना रोया कि अब्बा ने उनसे शादी कर ली और शादी के बाद सही काला जादू अम्मा ने शुरू किया। मिसेस शेरदिल के कहने पर अम्मा ने मेरे अब्बा को दर्दनाक और पुरसरार मौत दी थी, जिसका कोई भी सुराग नहीं लगा सका था। अम्मा ने शादी के बाद 11 साल तक अब्बा पर जादू करना जारी रखा, जिसने धीरे धीरे अब्बा को खत्म करना शुरू कर दिया था। अब्बा की मौत के बाद अम्मा खुश थी, लेकिन वो खुशी ज्यादा देर की नहीं थी, क्योंकि अम्मा के बंगाली खानदान को कुर्बानी चाहिए थी और वो भी सलीम भाई की, क्योंकि अम्मा ने अब्बा पर जब जादू शुरू किया था तो इस वक्त सलीम भाई अम्मा के पेट में थे। अम्मा को सलीम भाई से बहुत मोहब्बत थी, लेकिन जादू का असर सलीम भाई पर था कि वो दोहरी शख्सियत के मालिक थे। अम्मा ने सलीम भाई को अपने खानदान से बचाने के लिए दूसरे शहर भेज दिया और स्कूल और हॉस्टल में सलीम भाई का नाम भी बदलवा लिया ताकि कोई इन तक पहुंच ना सके। और जब सलीम भाई वापस आए तो अम्मा को लगा कि उनका खानदान सब भूल चुका होगा, लेकिन वो लोग याद रखे हुए थे। और जब भी सलीम भाई की शादी होती थी तो नई दुल्हन को एक तो भाई की दोहरी शख्सियत डरा दिया करती थी और दूसरा काले जादू के असर कमरे से खौफ में मुब्तला कर देते थे और वो जान जाती थी कि कुछ तो गड़बड़ है। तभी अम्मा अपने बेटे की शादी झटपट करवा देती थी। लड़की अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती थी, सो वो चली जाती थी और जाते हुए वो अम्मा को लीमू पकड़ा जाती थी, जिसकी बरसात सारी रात कमरे में होती थी और सुबह बस एक लीमू होता था। सच्चाई इतनी तलख थी कि सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे और तब मुझ पर और सच्चाई उतरी कि मैं अम्मा अब्बा की ले पालक बेटी थी। अब्बा को मैं एक रोज कचरे के ढेर से मिली थी और वो बेटी बनाकर घर ले आए थे मुझे। अम्मा का रवैया मैं अब समझ गई थी, मैं उनकी बेटी नहीं थी तो वो क्यों कर मुझ पर तवज्जो देती। भाभी के बयान के बाद उनके दीगर साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। भाई की मौत के बाद अम्मा पागल हो गई थी। जिस बेटे को बचाने के लिए उन्होंने इतना कुछ किया था वो फिर भी मारा गया था। डॉक्टर के कहने पर मैंने अम्मा को स्लाइलम में दाखिल करवा दिया और खुद अपने काम में मसरूफ हो गई। मैंने और कसरा आंटी ने मिलकर अपने पार्लर को बहुत तरक्की दी और फिर कसरा आंटी ने मेरी शादी अपने बेटे नुमान से करवा दी, जो बहुत सुलझा हुआ लड़का था और बैंक में काम करता था। जिंदगी में उतार चढ़ाव आए थे, लेकिन फिर सब कुछ ठीक हो गया था। बुरे लोगों ने अपने किए की सजा पा ली थी। मैंने एक लावारिस लड़की से शादी कर ली जो बहुत खूबसूरत थी। मैं उसे कुछ भी कहता वो मेरा हर हुक्म मानती, लेकिन हर वक्त अपनी कमर पर पट्टी बांध कर रखती, कहती कमर में दर्द है। मैं डॉक्टर के पास चलने का कहता तो मना कर देती। एक दिन मैंने अपनी बड़ी बहन को ये बात बताई तो वो परेशान हो गई और बोली तुम जाते ही उसे तलाक दे दो वरना बहुत बुरा होगा। मैंने बहन की बात न मानी पर एक रात राज जानने के लिए उसकी पट्टी उतार दी। मेरी जान निकल गई, लेकिन अब देर हो चुकी थी। इस पट्टी के नीचे मेरा वो किचन से आई तो जल्द ही सोने के लिए लेट गई। मैं बगौर उसकी हर हरकत को मुलाहिजा करता रहा। मैं अपनी बहन से हुई बातों को सोच रहा था, जिसने मुझे मजीद उलझन में डाल दिया था। तभी मैं उस राज का पता लगाने का सोच रहा था, जिसने मुझे न सिर्फ तजस्सुस में डाल रखा था बल्कि बेहद परेशान भी कर रखा था, और इस परेशानी में इजाफा मेरी बहन की बातों ने कर दिया था। मैंने एक नज़र उसे देखा जो कुछ ही देर में गहरी नींद सो चुकी थी। मैं अपनी जगह से उठा और उसकी जानिब आया तो नज़र उसके मासूम चेहरे पर पड़ी। मैंने नजरें चुराकर उसकी कमर पर बंधी पट्टी की तरफ हाथ बढ़ाया और उसकी वो पट्टी उतार दी, लेकिन पट्टी उतारते ही मेरी जान निकल गई। लेकिन अब देर हो चुकी थी, क्योंकि इस पट्टी के नीचे मेरा नाम हसन है और मेरी उम्र इस वक्त 28 साल है। मैं एक रेस्टोरेंट में मैनेजर हूँ, जहाँ से मुझे अच्छी खासी आमदनी हो जाती है, जिससे मैं एक बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहा हूँ। मेरे वालदैन हयात नहीं है, जबकि एक बहन है जो कि शादीशुदा है।
वो मुझसे बड़ी है और मुझसे बिल्कुल माँ की तरह मोहब्बत करती है। माँ के गुजरने के बाद उसी ने मुझे संभाला और एक माँ का प्यार दिया। यही वजह है कि मैं उसकी कोई बात नहीं टालता, बल्कि कोशिश करता हूँ कि उसकी हर बात मानूं और उसे बड़ी बहन का सम्मान दूं। पहले तो मैं गैर शादीशुदा था, लेकिन फिर अचानक ही मैंने शादी करने का फैसला कर लिया और फिर मेरी शादी आज से 15 दिन पहले हो गई, जो कि मेरी अपनी पसंद से हुई थी। मेरी बीवी बहुत खूबसूरत है, लेकिन वो ज़रा कम पढ़ी लिखी है। वजह उसकी माली हैसियत का इतना मजबूत ना होना है। मेरी बीवी का नाम तूबा है, जिसकी उम्र 21 साल है। आज से 2 माह पहले मेरी उससे पहली मुलाकात एक सड़क पर हुई थी, जहां उसका मेरी बाइक से एक्सीडेंट हो गया था और फिर अपनी गलती ना होने के बावजूद मैं उसे अस्पताल लेकर गया। उसकी मरहम पट्टी करवाने के बाद मैं उसे साथ लिए एक फार्मेसी में चलाया था, जहाँ से उसके लिए दवाइयाँ ली। इसी दौरान मुझे पता चला था कि वो लावारिस है। पहले वो अपने चचा के पास रहती थी, लेकिन 2 साल पहले उसकी चची ने उसे अपने घर से निकाल दिया कि वो मजीद उसके खर्चे बर्दाश्त नहीं कर सकते। उनके अपने भी बच्चे हैं जिनको उन्होंने पढ़ाना लिखाना है और फिर उनको किसी काबिल बनाना है। वो वहाँ से दारुल उमान में आ गई थी, जहाँ उसे रहने के लिए अच्छी जगह और 3 वक्त खाने पीने को मिलता था। वहाँ वो एक अच्छी जिंदगी जी रही थी। उसके चचा चची ने उसे घर से निकालने के बाद पलट कर उसकी खबर नहीं ली थी कि वो जिंदा भी है या नहीं। उसने दारुल उमान में रहते हुए कढ़ाई का काम शुरू कर दिया था, जिससे उसे इतनी आमदन हो जाती थी कि वो अपने लिए कपड़े वगैरह खरीद सकती, और उसके लिए यही बहुत था। इस तरह वो किसी की उतरन पहनने से बच जाती थी। मैं उसकी हिम्मत पर हैरान था कि वो बगैर माँ बाप के वो एक दारुल उमान में रह रही थी। पहली ही नजर में वो मुझे बेहद अच्छी लगी थी, वो बेहद खूबसूरत थी। ऊपर से उसकी मासूम से नकूश किसी को भी उसकी तरफ माइल कर सकते थे, जैसे मुझे माइल कर रहे थे। मैंने उसे उसके दारुल उमान में छोड़ा था। सारे रास्ते में उसे बातें करता, उसके बारे में कुरेद कुरेद कर उससे पूछता रहा, जिसके वो बिना झिझके जवाब देती रही। उसे वहाँ छोड़ने के बाद मैं वापस घर आ गया था, लेकिन अगले कई दिन तक वो मेरी सोचों पर हावी रही। लेकिन फिर अपनी जिंदगी और नौकरी में मगन होकर मैं उसको बिल्कुल ही फरामोश कर गया था कि कभी भूले से भी उसका ख्याल नहीं आया था। इस बात को तकरीबन 2 साल गुजर गए थे और फिर 2 साल बाद एक बार फिर वो मुझे एक बाजार में मिली थी, जहाँ मैं कुछ शॉपिंग करने गया था। मैंने तो उससे नहीं देखा था, मगर उसने न सिर्फ मुझे देखा था बल्कि पहचान भी लिया था, और पहचान कर वो मेरे पास भी आ गई थी और सलाम दुआ करने लगी। मैंने भी उसे पहचान लिया था और उससे उसका हाल अहवाल पूछने लगा था, जिस पर उसने बताया कि वो बिल्कुल ठीक है। मेरे पूछने पर ही उसने बताया कि वो अभी भी इसी दारुल उमान में ही रहती है और शायद सारी जिंदगी वहीं पर ही गुजारते। इसकी बात सुनकर मुझे कुछ अफसोस सा हुआ और फिर जल्द ही मैं वापस घर चला गया। फिर आए दिन कभी न कभी कहीं न कहीं मेरी उससे मुलाकात हो जाती और यूं मेरी और उसकी दोस्ती हो गई। मैं उससे अक्सर मिलने लगा। मुझे वो पहले से ज्यादा अच्छी लगने लगी थी, क्योंकि वो दिल की बेहद साफ और खरी थी। आहिस्ता आहिस्ता मेरी और उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ने लगी और यूं फिर हमारी दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे और फिर यही वजह थी कि मैंने मजीद देर न की, बल्कि जल्द ही उससे शादी का फैसला कर लिया। और ये फैसला करने के बाद मैंने अपनी बहन को भी बता दिया। मेरी बहन कुछ शशोपंच का शिकार थी कि न जाने कैसी लड़की हो, लेकिन मैंने उसे तूबा के बारे में सब कुछ बता दिया, और न सिर्फ बताया बल्कि उसे तूबा से मिलवा भी दिया, जिसके बाद वो राजी भी हो गई, क्योंकि उसे भी तूबा काफी अच्छी और मासूम सी लगी थी। यूं मैंने तूबा से चंद दोस्तों और अपनी बहन की मौजूदगी में सादगी से निकाह करवा लिया। मेरी बहन मेरे निकाह के 3 दिन बाद अपने घर वापस चली गई, जबकि जाते हुए वो तूबा को घर संभालने और घर में रहने के सारे तौर तरीके सिखा कर गई थी। तूबा मुझसे शादी करके और अपना घर पाके बेहद खुश थी। वो अक्सर मुझसे कहती थी कि उसे यकीन नहीं आ रहा कि उसकी मुझसे शादी हो गई है, जबकि इस बात पर मैं फकत मुस्कुरा कर रह जाता था। तूबा मेरी हर बात बिना किसी एतराज के मानती थी। मैं जो कह देता उसके लिए पत्थर की लकीर हो जाती। उसने कभी भी मेरी किसी बात से इनहराफ नहीं किया था, बल्कि मेरी हर बात मान लेती थी। हमारी शादी को 15 दिन हो चुके थे और इन 15 दिनों में तूबा की फरमाबरदारी देख कर मैं हैरान ही रह गया। लेकिन मुझे इसका अपनी बात माना अच्छा भी लगता था। लेकिन इस सब के साथ एक और बात भी थी जिसने मुझे पिछले 15 दिन से परेशान किए रखा था, और वो बात ये थी कि मेरी बीवी अपनी कमर पर हर वक्त एक पट्टी बांध कर रखती थी और उसे कभी भी नहीं उतारती थी। जब कभी भी मैंने उससे इस पट्टी के बारे में पूछा या कहा कि पट्टी उतार दो, तो वो एक ही बात कहती कि इसकी कमर में दर्द है तभी पट्टी बांध कर रखती हूँ।
लेकिन हैरत मुझे इस बात पर थी कि क्या रोज ही और हर वक्त ही कमर में दर्द होता है जो हर वक्त पट्टी बांधी पड़ती है। यही सोचकर मैंने उसकी तकलीफ के ख्याल से कहा कि डॉक्टर के पास चलते हैं। मेरा ख्याल था कि अकेले घर के कामकाज करने की वजह से उसकी कमर में दर्द होता है और डॉक्टर से दवाई लेकर खाने से ये दर्द ठीक हो जाएगा, लेकिन जब भी मैं उसे डॉक्टर के पास ले जाने का कहता तो वह इनकार कर देती कि कमर दर्द ही तो है, खुद ब खुद ही ठीक हो जाएगा, डॉक्टर के पास जाने की क्या जरूरत है। मैं उसके जवाब पर चुप कर जाता, लेकिन जब रोज रोज वो पट्टी बांधने लगी तो मैं परेशान होने लगा और डॉक्टर के पास चलने को इसरार करने लगा, मगर वो तब भी मुझे टाल गई कि खुद ही ठीक हो जाऊंगी। आहिस्ता आहिस्ता मैंने भी उससे कहना छोड़ दिया कि जब वो मेरी ये बात नहीं मानती, ना ही डॉक्टर के पास जाने को राजी थी, तो कहने का क्या फायदा। करते करते यूं ही हमारी शादी को 15 दिन गुजर गए थे, लेकिन ना ही तूबा की पट्टी उतरी थी, ना ही उसने डॉक्टर के पास जाने पर हामी भरी थी। इस सब का मुझे जब भी कोई हल नजर नहीं आया तो मैं अपनी बड़ी बहन से मिलने चला गया ताकि इस मसले का कोई हल निकाल सकूं। मैंने वहां जाकर इस बारे में अपनी बड़ी बहन को बताया। मैंने उसे कोई बात नहीं छुपाई थी, लेकिन जब मैंने उसे सारी बात बताई तो वो परेशान हो गई। उसकी परेशानी की वजह मुझे समझ नहीं आई थी, लेकिन उसने मुझसे कहा कि तुम जाते ही उसे तलाक दे दो वरना बहुत बुरा होगा। अपनी बड़ी बहन की बात सुनकर मैं हक्का बक्का हो गया। कहां मैं तवक्को कर रहा था कि वो मुझे इस मसले का हल बताएगी और कहां उसने मुझे तूबा को तलाक देने का कह दिया। भला मैं उसे तलाक कैसे दे सकता था, वो ना सिर्फ मेरी बीवी थी बल्कि मनपसंद बीवी थी जिसे छोड़ने का मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। मुझे अपनी बहन का मशवरा पसंद नहीं आया, इसलिए मैंने उससे पूछा कि वो मुझसे ऐसे क्यों कह रही है कि मैं तूबा को तलाक दे दूं। लेकिन मेरी वजह पूछने पर भी उसने कुछ नहीं बताया और कहा कि जो कहा है वो करो वरना बहुत बुरा हो जाएगा। मैंने कहा जितना बुरा होना है हो जाए, लेकिन मैं तूबा को तलाक कभी नहीं दूंगा। इतना कह के मैं उसके घर से बाहर निकल आया और घर की जानिब कदम बढ़ा दिए। मैं जानता था कि मेरी बहन मेरे रवैये से नाराज हुई होगी, लेकिन मैं वो काम कतई नहीं कर सकता था जो वो मुझसे करने को कह रही थी। तूबा पहले ही बेसहारा थी, ऐसे में अगर मैं उसे छोड़ देता तो वो कहाँ जाती, वो तो मेरे साथ एक अच्छी जिंदगी जीने लगी थी, फिर मैं कैसे उससे उसकी खुशियाँ छीन लेता। घर आने के बाद मैं काफी देर तक अपनी बहन की बातों को सोचता रहा, लेकिन हर बार मुझे अपनी बहन का मशवरा सुन के गुस्सा ही आता और ये गुस्सा तब बढ़ जाता जब मैं तूबा की कमर पर पट्टी बंधी देखता जिसकी वजह से ये सब शुरू हुआ था। मैं चाहता था कि इस पट्टी के पीछे का राज पता करवा लूं ताकि मेरी उलझन सुलझ सके, लेकिन कैसे यही मैं सोच रहा था जब मेरे दिमाग में एक तरकीब आई। मैं उसके जागते में तो ये सब नहीं कर सकता था, लेकिन जब वो सो रही होती तब तो लास्ट में मैं देख सकता था। इसीलिए मैंने आज रात को उसकी कमर पर बंधी पट्टी हटाकर देखने का फैसला कर लिया। मुझे अब रात होने का बेसब्री से इंतजार था और फिर जल्द ही मेरा ये इंतजार खत्म हो गया। मैं खाना खाकर कमरे में आ गया तो वो भी सारा काम निपटा कर किचन से आई और फिर जल्द ही सोने के लिए लेट गई। मैं बगौर उसकी हर हरकत को मुलायसा करता रहा। मैं अपनी बहन से हुई बातों को सोच रहा था जिसने मुझे मजीद उलझन में डाल दिया था। तभी मैं अब इस राज का पता लगाने का सोच रहा था जिसने मुझे न सिर्फ तजस्सुस में डाल रखा था बल्कि बेहद परेशान भी कर रखा था, और इस परेशानी में इजाफा मेरी बहन की बातों ने कर दिया। मैंने एक नज़र उसे देखा जो कुछ ही देर में गहरी नींद सो चुकी थी। मैं अपनी जगह से उठा और उसकी जानिब आया तो नज़र उसके मासूम चेहरे पर पड़ी। मैंने नजरें चुरा कर उसकी कमर पर बंधी पट्टी की तरफ हाथ बढ़ाया और उसकी वो पट्टी उतार दी, लेकिन पट्टी उतारते ही मेरी जान निकल गई। लेकिन अब देर हो चुकी थी क्योंकि इस पट्टी के नीचे मेरा रुमाल बंधा हुआ था जिसके ऊपर मेरा नाम लिखा हुआ था। इस रुमाल पर पहले मेरा नाम नहीं लिखा हुआ था, ये बाद में लिखा गया था। मैं जो सोच रहा था कि न जाने क्या होगा, अब ये सब देखकर हैरत में मुब्तला हो चुका था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि उसने अपनी कमर पर पट्टी के नीचे मेरा रुमाल क्यों बांध रखा था। मैं उसके नींद में गाफिल वजूद को कुछ पल देखता रहा, लेकिन मुझे मेरे सवाल का जवाब ना मिला तो मैं अपनी जगह पर आकर लेट गया। मैं काफी देर इस बारे में सोचता रहा कि अब क्या करूं, इससे पूछूं या नहीं। यही सब सोचता सोचता मैं गहरी नींद में उतर गया। अगली सुबह मेरी आंख मामूल के मुताबिक खुली थी। तूबा कमरे में मौजूद नहीं थी, यकीनन वो किचन में मेरे लिए नाश्ता बना रही थी क्योंकि वो मेरे उठने से पहले नाश्ता बना चुकी होती थी। मैं फ्रेश होकर कपड़े बदलकर जब बाहर आया तो तूबा मेरे लिए नाश्ता लगा चुकी थी। मैं ध्यान से उसका चेहरा देखता हुआ कुर्सी पर बैठकर नाश्ता करने लगा और वो हमेशा की तरह खुश लग रही थी,
लेकिन पिछले 15 दिन की तरह आज भी उसकी कमर पर पट्टी बंधी हुई थी और अब भी यकीनन उसकी पट्टी के नीचे मेरा रुमाल मौजूद होगा। यही सोचता हुआ मैं खोए खोए से अंदाज में नाश्ता कर रहा था जब तूबा ने मेरी बेदेहानी को नोट किया और कहा कि आपको क्या हुआ है, कहाँ खोए हुए हैं। इसके सवाल पर मैं चौंक कर होश में आया और कहा कि नहीं कुछ नहीं, बस ऑफिस के काम के बारे में कुछ सोच रहा था। जिस पर उसने कहा कि ज्यादा सोचकर टेंशन मत लिया करें वरना तबीयत खराब हो जाएगी। इतना कहकर वो चुप हो गई और मुझे उबला हुआ अंडा छील कर देने लगी। मैंने भी मजीद कोई बात नहीं की थी कि मैं तो इसकी तरफ मतवज्जो नहीं था, मैं तो अपनी ही सोचों में डूबा हुआ था। नाश्ता करने के बाद मैं ऑफिस के लिए रवाना हो गया। ऑफिस में भी सारा दिन मैं इन्हीं सोचों में डूबा रहा कि ऐसा क्या करूं कि मुझे तूबा के इस अमल की वजह मालूम हो जाए। मैं खुद से उसे पूछना नहीं चाहता था क्योंकि पहले भी मैंने उसे कई बार इस बारे में पूछा था लेकिन उसने मुझे हमेशा कमर दर्द का कहकर टाल दिया था और असल वजह नहीं बताई थी। और मुझे यकीन था कि अब भी मैं पूछता तो वो मुझे असल वजह ना बताती, और अगर मैं उससे इसकी पट्टी के नीचे बंधे मेरे रुमाल के बारे में पूछता तो वो यकीनन चौंक जाती कि मुझे इस बारे में कैसे पता चला। और इसके पूछते पर मुझे उसे बताना पड़ता कि मैंने उसकी पट्टी को उसकी कमर से हटा कर देखा है, और अगर उसे ये पता चलता कि मैंने उसकी पट्टी हटाई है तो वो न जाने कैसा रद्द अमल देती या शायद मुझसे खफा हो जाती। और ऐसा मैं हरगिज नहीं चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि मैं या वो एक दूसरे के सामने शर्मिंदा हो, बस ऐसा कुछ करना चाहता था जिससे मुझे सारी हकीकत का पता चल जाए और हम दोनों का पर्दा भी रह जाए। मेरे ऑफिस जाने के बाद तूबा घर में अकेली रह जाती थी और पीछे वो अकेली क्या करती थी मैं नहीं जानता था। इस दिन मैं ऑफिस से घर जा रहा था जब रास्ते में खातून मुझे मिली। वो हमारी हमसाये थी जो मुझे अच्छे से जानती थी। सलाम दुआ के बाद उसने कहा कि जिस पीर के पास तुम्हारी बीवी जाती है वहाँ शोहर को लाना लाजमी होता है, फिर तुम उसके साथ क्यों नहीं जाते। हमसाये की बात सुनकर मेरा माथा ठनका और मैंने कहा कि किस पीर की बात कर रही हैं आप। मेरे सवाल पर उसने चौंक कर कहा कि शहर के आखिर में जो पीर है उसकी बात कर रही हूँ, क्यों क्या तुम्हें नहीं मालूम कि तुम्हारी बीवी किस पीर के पास जाती है। इससे मशकूक से लहजे में सवाल किया तो मैंने तेजी से नफी में सर हिलाया और कहा कि नहीं मालूम, मगर वो 2-3 पीरों के पास जाती है तो मुझे पता नहीं था कि आप किस पीर की बात कर रही हैं। मेरा जवाब सुनकर वो कुछ मुतमईन हुई और बोले कि मैं शहर के आखिर में जो पीर है उसके बारे में बात कर रही हूँ। तुम्हारी बीवी हर 3 दिन बाद उस पीर के पास जाती है और वो पीर हर बार उसे तुम्हें साथ लाने को कहता है, लेकिन वो हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल देती है। कभी कहती है कि तुम मसरूफ हो, तो कभी कहती है कि तुम शहर से बाहर हो, और कभी ये बहाना बना देती है कि तुम्हें ऑफिस से छुट्टी नहीं मिली। इसकी बात सुनकर मैंने कहा जी बिल्कुल ऐसी ही बात है, दरअसल मसरूफियत की वजह से मैं उसके साथ जा नहीं पाता, लेकिन अब से कोशिश करूंगा कि उसके साथ ही जाऊं। मेरी बात सुनकर उसने इस बात में सर हिला दिया और कहा कि हाँ इस बार जरूर जाना, बल्कि वो तो परसों फिर से जाने वाली है तो तुम जरूर उसके साथ जाना। इसकी बात सुनकर मैंने सर हिला दिया और कुछ सोचता हुआ घर चलाया। मेरे जहन में मुसलसल अपनी हमसाई की बातें गूंज रही थी। ये इंकशाफ मेरे लिए नया था कि मेरी बीवी किसी पीर के पास जाती है, लेकिन किस लिए जाती है ये मुझे मालूम नहीं था, ना ही तूबा ने मुझे ऐसा कुछ भी बताना जरूरी समझा था। अब मुझे शिद्दत से परसों का इंतजार था जब मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब मिल जाते। मैंने तूबा से इस बारे में ना कुछ पूछा था, ना ही उसे एहसास होने दिया था कि मैं उस बारे में कुछ जानता हूँ या इस मामले की खोज में हूँ। मेरा रवैया उसके साथ बिल्कुल पहले जैसा ही था ताकि उसे मुझ पर किसी किस्म का शक ना हो। इसी इंतजार में अगला दिन आकर गुजर गया और अब मुझे कल का इंतजार था। मैंने अपने ऑफिस फोन करके अपने बॉस से जरूरी काम का कहकर छुट्टी ले ली थी जो मुझे बासानी मिल चुकी थी। मैंने तूबा को अपनी छुट्टी के बारे में नहीं बताया था। उसे अगले दिन मैं मामूल के मुताबिक तैयार होकर घर से निकला था। तूबा को यही था कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ क्योंकि मैंने उसे कुछ भी नहीं बताया था। घर से निकलकर मैं घर से कुछ दूर जाकर एक दरख्त के पीछे छुप गया था जहाँ से घर बिल्कुल साफ नजर आ रहा था कि कोई भी आता या जाता तो साफ नजर आता। मैं वहाँ काफी देर खड़ा रहा लेकिन तूबा के बाहर आने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे थे। मुझे वहाँ खड़े हुए घंटे हो चुके थे मगर तूबा बाहर नहीं आई थी। अब तो मैं मायूस होने लगा था कि कहीं मैं तूबा पर बिला वजह तो शक नहीं कर रहा, लेकिन बिला वजह शक का भी सवाल पैदा नहीं होता था क्योंकि हमसाई ने मुझसे जानबूझकर ऐसा तो नहीं कहा होगा और उसे मुझसे झूठ बोलने की जरूरत भी क्या थी। तभी मैंने सोचा कि शायद आज तूबा ने ना जाने का इरादा कर लिया हो। यही सोचकर मैं मायूस होता घर जाने के लिए दरख्त के पीछे से बाहर निकला था, लेकिन तभी मैंने घर का गेट खुलता हुआ देखा। मैं तेजी से दरख्त के पीछे हो गया
कि कहीं वो मुझे देख ही ना ले। उसने शलवार कमीज पर बड़ी सी चादर ओढ़ रखी थी जो अक्सर घर से बाहर आते जाते ओढ़ती थी। मैंने दरख्त की ओर से देखा कि वो घर के दरवाजे को ताला लगा रही थी और फिर वो परस को कंधे पर जमाती एक तरफ चलने लगी। मैं तेजी से उसके पीछे पीछे चलने लगा, लेकिन मैं उससे कदरे फासले पर था और छुप कर चल रहा था कि वो मुझे देख न ले। मेरे ख्याल से वो इतनी देर से इसलिए आई थी कि घर के कामकाज में मसरूफ थे। काम ज्यादा तो नहीं होते थे, लेकिन वो करते करते काफी वक्त लगा देती थी। वो सड़क किनारे खड़े एक रिक्शे में बैठी तो मैं भी तेजी से अपनी बाइक की जानिब बढ़ा और इस रिक्शे का पीछा करने लगा जो कि तेजी से आगे बढ़ रहा था। कुछ देर तक मैं इस रिक्शे का पीछा करता रहा और फिर वो रिक्शा आधे घंटे बाद शहर के आखिरी हिस्से में एक गली के सामने जाकर रुक गया। मैंने इस रिक्शे से काफी दूर अपनी बाइक को रोक कर खड़ा किया ताकि तूबा को पता न चल सके। तूबा ने रिक्शे से उतर कर रिक्शे वाले को किराया दिया और फिर रिक्शे वाले के जाने के बाद वो दाएं जानिब जाते हुए गली में उतरी और फिर तेजी से आगे बढ़ने लगी। मैं भी तेजी से इस गली की जानिब बढ़ा, लेकिन अगर मैं गली के अंदर जाता तो यकीनन तूबा मुझे देख लेती और मुझे यहाँ देखकर चौंक भी जाती। तभी मैं कुछ ठहर कर गली में दाखिल हुआ तो तूबा मुझे कहीं दिखाई न दी। मैं कुछ और आगे हुआ तो वो मुझे एक और घर में दाखिल होती हुई दिखाई दी। मैं तेजी से आगे बढ़ा और उसके पीछे ही इस घर में दाखिल हुआ। मुझे तूबा तो कहीं नजर न आई, लेकिन इस घर के सेहन में काफी लोग दरियों पर बैठे हुए थे और एक अजीब सी हड़बोंग मची हुई थी। लोग इधर से उधर चलते अजीब शोर मचा रहे थे जो मुझे बेहद नागवार गुजर रहा था। मैं सब लोगों को इधर उधर करता हुआ तेजी से आगे बढ़ा तो तूबा मुझे कमरे में दाखिल होती नजर आ रही थी। मैंने तेजी से इस कमरे का रुख किया तो बाहर खड़ी औरत ने मुझे रोका और मुझसे पूछा कि तुम कौन हो, जिस पर मैंने बताया कि मैं इस लड़की का शौहर हूँ जो अभी अंदर गई है। मेरी बात सुनकर उसने मुझे सर से पैर तक देखा और फिर कुछ देर बाद मुझे अंदर जाने की इजाजत दे दी। मैं अंदर दाखिल हुआ तो अंदर सामने ही तूबा एक पीर बाबा के सामने बैठी हुई थी। इसका रुख पीर बाबा की तरफ था जबकि मेरी तरफ पुश थी, जिसकी वजह से मुझे देख नहीं पा रही थी। इसका सर झुका हुआ था जबकि वो पीर बाबा इसके सर पर हाथ रखकर कुछ पढ़कर फूंक रहा था, जबकि इस पीर बाबा के दाएं और बाएं जानिब दो औरतें खड़ी इसे आहिस्ता आहिस्ता पंखा झल रही थी। इस पर दम करके इस पीर बाबा ने अपनी दाएं जानिब रखी एक पट्टी उठाई और इसकी तरफ बढ़ा दी और कहा कि इस पट्टी को अपनी कमर पर पहले की तरह बांध लेना, तुम्हारी उम्मीद भर आएगी। तूबा ने वो पट्टी थाम कर सर हिला दिया और शुक्रिया कहती हुई उठ खड़ी हुई। ये पट्टी भी इन पहली पट्टियों जैसी ही थी जो तूबा अपनी कमर पर बांधा करती थी और इन पट्टियों के नीचे वो मेरा रुमाल बांधा करती थी जिस पर उसने मेरा नाम काट रखा था। वो पीर बाबा का शुक्रिया अदा करती हुई वापस जाने को मुड़ी थी, मगर जैसे ही उसकी नजर मुझ पर पड़ी तो अपनी जगह पर साकिन रह गई। मुझे अपने रस्ते में खड़ा देखकर यकीनन वो बेयकीन होकर रह गई थी, क्योंकि उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि मैं ऑफिस की बजाय यहाँ हो सकता हूँ। मुझे देखकर वो गड़बड़ाई और अपनी आंखें मसलने लगी जैसे उसे यकीन न आया हो, मगर जब मंजर नहीं बदला तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। मैं सपाट और सर्द निगाहों से उसकी तरफ देखता जा रहा था। मेरा अंदाज देखकर यकीनन वो समझ गई थी कि मैं गुस्से में हूँ। तभी उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। मैंने उसे घबराते और शशोपंज में मुब्तला देखकर आगे बढ़कर सख्ती से उसका हाथ थामा और उसे बाहर ले आया। बाहर सेन में मुझे हमारे मोहल्ले के दो तीन लोग नजर आए थे जिन्हें मैंने बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया। मैं सख्ती से तूबा का हाथ जकड़े बाहर आया और अपनी बाइक की जानिब बढ़ा, खुद बाइक पर बैठकर गुस्से से उसे बाइक पर बैठने का कहा तो वो चुपचाप बैठ गई। उससे मुझसे बात करने की कोशिश की, मगर मैंने सख्ती से उसे डांट दिया और उसकी कोई बात न सुनी, जिस पर वो चुप करके बैठ गई और फिर कुछ ना बोली। पूरा रास्ता मैंने उससे कोई बात ना की थी। घर आने के बाद मैं उसे लेकर अंदर आया और फिर उसके सामने बैठकर उसे घूरने लगा, जिस पर वो मजीद घबरा गई और रोने लगी। मैंने कहा कि तुम क्यों रो रही हो, झूठ खुद अपनी मर्जी से बोला था तुमने, और जब भी मैंने तुमसे पूछा कि तुम ये पट्टी क्यों बांधती हो तो तुम हमेशा यही कहती थी कि मेरी कमर में दर्द है, और जब भी मैंने कहा कि अगर कमर में दर्द है तो तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाता हूँ तो तब भी तुमने ये कहकर हर दफा मेरी बात टाली थी कि हल्का सा दर्द है जो खुद ब खुद ठीक हो जाएगा, और ये हल्का सा दर्द तुम्हें रोज होता था और रोज तुम मुझसे झूठ बोल देती थी, और झूठ बोलते वक्त तुम्हें जरा डर नहीं लगता था कि तुम झूठ अपने ही खामन से बोल रही हो। फिर यही नहीं बल्कि तुम झूठ बोलकर किसी पीर बाबा के पास जाती हो और वो भी अपने शोहर से छुपकर, जो जानता ही नहीं कि उसकी बीवी उसके पीछे कहां कहां जाती है। चलो इस बात की भी खैर है, मुझे सिर्फ ये बताओ कि तुमने मुझसे इतने झूठ क्यों बोले, और ना सिर्फ झूठ बोले बल्कि किसी पीर बाबा के पास जाकर वो पट्टी भी लाती रही। आखिर ऐसी क्या वजह है जो तुमने ये सब किया, क्यों मुझसे हर बार झूठ बोला,
और ये सब छुपाया, मुझे इसकी असल वजह बताओ। तुबा मेरी बातों और सवालों के जवाब में चुप रही, कोई जवाब न दिया, बस जारो कितार रोती रही, जिस पर मुझे मजीद गुस्सा आया और मैंने धाड़ कर कहा कि कुछ पूछा है मैंने। मेरी गुस्सेल आवाज पर वो डर कर उछली और मजीद रोने लगी तो मैंने गहरा सांस भरा। मैंने अब की बार नरमी से पूछा कि मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, बताओ मुझे कि ये सब क्यों किया तुमने। और ना सिर्फ ये सब किया बल्कि मुझसे झूठ भी बोला। मेरी बात सुनकर वो कुछ देर चुप रही और फिर बोली कि मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहती थी, लेकिन हालात ने मुझे ऐसा करने पर मजबूर कर दिया। मैंने पूछा कि ऐसी कौन सी मजबूरी थी जिसकी वजह से तुम्हें ये सब कुछ करना पड़ा और मुझसे सब कुछ छुपाना पड़ा। और यही नहीं, ये सब कुछ मैंने अपनी बहन को भी बताया था ताकि वो मुझे कोई अच्छा मशवरा दे कि मैं क्या करूं। और आगे से उसने कहा कि मैं तुम्हें फौरी तलाक दे दूं। इसकी वजह उसने मुझे कुछ भी नहीं बताई थी, लेकिन मैं तुम्हें तलाक नहीं देना चाहता था क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, तो फिर छोड़ कैसे सकता हूं। लेकिन तुमने मुझे बेहद मायूस किया है, मुझ पर एतबार न करके मुझसे सब छुपा कर मुझे तकलीफ दी है। मैं चुप हुआ तो वो बोली कि ये आपसे पहली मुलाकात के बाद की बात है। मैं कहीं से वापस आ रही थी जब मेरा एक गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया जो इतना शदीद था कि मैं एक साल तक कोमा में रही। मेरे सारे जिस्म पर बहुत चोटें लगी थीं कि कोमे से निकलने के बाद भी मैं अच्छी तरह से उठ बैठ या चल फिर नहीं सकती थी। मेरी रीढ़ की हड्डी बेहद मुतासिर हुई थी। और यही नहीं, डॉक्टर ने कह दिया था कि मैं कभी माँ नहीं बन पाऊंगी, और अगर कभी माँ बन भी गई तो ये मुआवजा ही होगा क्योंकि इतने शदीद एक्सीडेंट के बाद मैं माँ बनने की सलाहियत खो चुकी थी। कोमा से निकलने के बाद 2 माह बाद मैं मुकम्मल तौर पर ठीक हुई और चलने फिरने के काबिल हुई। इस दौरान मैं इतने सदमे में रही थी कि मुझे कुछ समझ नहीं आता था कि मैं कहाँ हूँ और मेरे इर्द गिर्द क्या हो रहा है। मैं बिल्कुल गुमसुम सी हो गई थी। तभी पहली मुलाकात के 2 साल बाद एक बार फिर मेरी आपसे मुलाकात हुई। मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा था और फिर हर मुलाकात में मुझे आप पहले से ज्यादा अच्छे लगने लगे। जब मेरी आपसे दोस्ती हुई तो मैं बेहद खुश थी। मुझे आपसे बातें करना, आपसे मिलना बेहद अच्छा लगता था, इसलिए मैं हमेशा आपके इर्द गिर्द पाई जाती थी। मुझे आपसे मोहब्बत होने लगी थी। और जब आपने मुझसे शादी का कहा तो मैं बेहद खुश हुई और बगैर सोचे समझे हामी भर ली थी। लेकिन दारुल अमान वापस जाने के बाद मुझे ख्याल आया था कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती और ना ही शादी के बाद आपको औलाद की खुशी दे पाऊंगी। ये सोचकर मैंने सोचा कि आपको इनकार कर दूं, लेकिन मुझमें इतना हौसला भी नहीं हुआ क्योंकि मैं आपसे बेहद मोहब्बत करती थी और किसी भी सूरत अलग नहीं होना चाहती थी। इसीलिए मैंने चुपचाप आपसे शादी कर ली, लेकिन बाद में ये सोच सोच कर डरने लगी थी कि शादी के बाद जब मैं आपको औलाद का सुख ना दे पाई तो आप मुझे छोड़ देंगे और दूसरी शादी कर लेंगे। इस सोच के आते ही मैं डरने लगी थी और चाहती थी कि आपको कभी इस बारे में पता न चले और ना ही आप दूसरी शादी करें। इसलिए मैंने आपसे छुपकर डॉक्टर से रابطہ किया, लेकिन रिपोर्ट से एक बार फिर यही कह रही थी कि मैं माँ नहीं बन सकती। मैं मायूस होने लगी थी, लेकिन तभी मुझे हमारी हमसाई ने शहर के आखिर में रहने वाले पीर बाबा के बारे में बताया कि वो हर मसले को हल कर देता है। इसलिए मैंने उसके पास जाने का सोचा। आपको इसलिए नहीं बताया कि फिर आपको सब कुछ बताना पड़ता जो मैं नहीं बताना चाहती थी। इस पीर बाबा ने मुझे दम करके एक पट्टी दी और कहा इसे हर वक्त अपनी कमर पर बांधे रखूं, लेकिन इस पट्टी के नीचे अपने शोहर का रुमाल भी बांधो जिससे मैं जल्दी माँ बन जाऊंगी। और फिर मैंने ऐसा ही किया। हर बार आपके पूछते पर मैं कमर दर्द का बहाना बनाकर टाल देती थी ताकि आपको इस सब के बारे में पता न लग सके। मैं आपको खोना नहीं चाहती थी, इसीलिए ये सब किया। उसकी सारी बात सुनकर मैं सर थाम कर रह गया कि वो खुद को जहनी टॉर्चर देती रही मगर मुझसे कुछ शेयर न किया। अगर बता देती तो मैं वैसे भी उसे न छोड़ता। मैंने उसे उसकी इस हरकत के लिए माफ कर दिया और कोई भी सजा न दी, क्योंकि अगर मैं ऐसा करता तो उसे यही लगता कि मैं उससे उकता गया हूँ। मैंने उसका इलाज शुरू करवा दिया था, लेकिन कोई कामयाबी ना हुई जिससे वो मायूस होने लगी। तो मैंने कुछ सोचकर अपनी बहन और बहनोई से मशवरा करके उनकी बेटी गोद ले ली, जिसे पैदा हुए अभी 2 माह हुए थे। इस बच्ची को पाकर वो बेहद खुश हुई थी और सगी माँ से बढ़कर उसका ख्याल रखने लगी थी। इस बच्ची के 2 साल के होने के बाद खुदा ने हमें भी खुशी दे दी थी और कुछ महीनों बाद तूबा ने खूबसूरत से बेटे को जन्म दिया था, जिसे पाकर हम खुशी से फूले न समाए थे। मैं और तूबा अपने दोनों बच्चों में कोई फर्क नहीं करते थे, बल्कि दोनों को एक जितना ही प्यार देते थे। हमें लगता था कि हमें इतनी बड़ी खुशी की खबर हमारी बड़ी बेटी की बरकत से मिली है, इसलिए इसमें हमारी जान बसती थी। मेरी बहन भी अपनी बेटी की तरफ से मुतमईन थी, जिसे हमने गोद लिया था। मैंने अपनी बहन को इस पट्टी का सारा किस्सा सुना दिया था, जिस पर वो भी तूबा पर अफसोस करके रह गई। तभी एक बार मैंने अपनी बहन से पूछा था कि उसने मुझे तूबा को तलाक देने का मशवरा क्यों दिया, जिस पर मेरी बहन ने बताया कि उसे तूबा पसंद नहीं थी क्योंकि वो लावारिस थी और उसे लगता था कि तूबा एक अच्छी लड़की नहीं है।
तभी उसे तलाक देने का कहा था, मगर अब मेरी बहन को तूबा से कोई शिकवा नहीं था कि अब तो वो तूबा को अपनी छोटी बहन की तरह समझते थे। मैं अब अपनी बीवी तूबा और बेटे और बेटी के साथ एक खुशगवार जिंदगी जी रहा हूँ। अगर तब मैंने शक की बिना पर तूबा को छोड़ दिया होता तो शायद आज मैं खुश और मुतमईन और खुशहाल ना होता। लेकिन खुदा का शुक्र है कि उसने मुझे इतनी बड़ी गलती करने से बचा लिया था।